हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS RRB PO क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चंस, और आज है इसका डे 3। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डे 1 डे 2 में हम लोगों ने बेस्ट 25 क्वेश्चंस देखे, जहां पर आप लोग ने अपना स्कोर भी शेयर किया और बताया कि सर 25 में से 20+ स्कोर कर पा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर 15 से ऊपर नहीं जा रहा। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज अगर नॉलेज लेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं कि IBPS का जो पैटर्न है वो क्या है। कई बार कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, और मॉक टेस्ट देकर भटक जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई कंपनी मॉक टेस्ट बनाती है आपके लिए, तो वो ये देखती ही नहीं कि IBPS का पैटर्न क्या है। वो किसी भी पैटर्न पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस वहां पर रख देती है। या तो उनका लेवल बहुत हल्का होता है, या उनका लेवल प्रोग्रामिंग लेवल का होता है, बहुत टफ होता है। तो कैंडिडेट या तो बड़े खुश हो जाते हैं कि सर पूरे में पूरे नंबर आ रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि इतना टफ कैसे करेंगे। लेकिन मैं तो कंप्यूटर ही डील करता हूं, मुझे पता है कि IBPS का लेवल क्या रहता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वो पूछती है। तो अगर आप इन मॉक टेस्ट, वो जो मॉक टेस्ट आप देते हैं, उनको आप दीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन IBPS के पैटर्न को देखना भी जरूरी है। हर एक एग्जाम का लेवल क्या अलग होता है? जी हाँ, हर एक एग्जाम का लेवल अलग है, लेकिन बैंक, SSC और रेलवे, इनका लेवल लगभग क्या है? सिमिलर है। तो यहां पर अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या SSC की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सर कौन सा कोर्स? दिस वन। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज नॉलेज लेनी है, आप चाहते हैं कि एक बार बस कंप्यूटर को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाए, चैप्टर वाइज पढ़ लिया जाए, टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर लिया जाए, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लिए जाएं, फिर उसके बाद उसके मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर लिए जाएं टॉपिक वाइज। क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। ये कोर्स आपको देगा लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, IBPS RRB PO क्लर्क SSC रेलवे GBO लेवल, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं सफिशियंट है। कॉन्सेप्ट प्लस MCQ प्लस PDF प्लस मॉक टेस्ट। ये कोर्स कब से शुरू हुआ है? 15 मार्च से। लाइव टाइमिंग्स 8 PM। सर वैलिडिटी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल रहा है। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। टोटल वीडियो 65+, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट प्लस MCQs, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF फाइल्स, बेसिक टू हाई लेवल। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कशन है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। प्रीवियस सेशन यानी डे 2 में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जिसका आंसर लगभग आप सभी लोगों ने किया मुझे। अमंग दीज ऑप्शंस नेम द एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इन विकल्पों में से एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। पेजेस, नंबर्स, कीनोट, पावर पॉइंट या VC Calc। पावर पॉइंट जब हम बात करते हैं, तो ये पावर पॉइंट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो पावर पॉइंट है, लेकिन एप्पल के द्वारा जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसका नाम कीनोट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कीनोट डेवलप्ड बाई हूम? एप्पल। ये क्वेश्चन दोनों तरफ से एग्जाम में आता है कि कीनोट किसके द्वारा बनाया गया है? एप्पल के द्वारा। एप्पल के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, दैट इज कीनोट। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत आराम से पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस डायरेक्ट इंटरेक्ट विद CPU। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सीधे CPU के साथ इंटरेक्ट करता है? CPU मतलब
प्रोसेसर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के साथ में कौन सी डिवाइस इंटरेक्ट करती है, रैम या रोम? रैम भी इंटरेक्ट करती है और रोम भी इंटरेक्ट करती है, यानी सीपीयू के साथ में प्राइमरी स्टोरेज इंटरेक्ट करती है, प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं, रैम और रोम भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वन, प्राइमरी स्टोरेज, रैम रोम। बेसिकली क्या होता है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि सीपीयू क्या कर पाए, चीजों को प्रोसेस कर पाए। ये इंस्ट्रक्शंस लाकर देने का काम कौन करता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बूटिंग के समय सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो हुआ ना प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच मेमोरी द स्पीड ऑफ द रीड एंड राइट ऑपरेशन इज सेम, किस मेमोरी में पढ़ने और लिखने की क्रिया की गति समान होती है, पी रोम, रोम, बायोस, रैम या ऑल ऑफ दीज। कह रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड भी करती है और राइट भी करती है लेकिन सेम स्पीड से, गति दोनों की सेम होती है। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एकमात्र ऐसी मेमोरी है जिसमें रीड और राइट करने की जो स्पीड है वो सेम है। सो द करेक्ट आंसर इज रैम। हम जानते हैं रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, वोलाटाइल इन नेचर है, और जो भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो कहाँ पर ओपन होती है, रैम में। कोई गेम खेल रहे हैं या आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप कहेंगे सर यूट्यूब में, लेकिन ये ओपन कहाँ पर हुआ, दैट इज इन रैम। इसीलिए तो रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर या आपका गैजेट स्मूथ वर्क करेगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। डैश एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करता है। क्या होगा, गेटवे, फायरवॉल, राउटर, ब्रिज, रिपीटर। इनकमिंग और आउटगोइंग यानी कौन आ रहा है, कौन सा पैकेट आ रहा है, कौन सा डेटा नेटवर्क में आ रहा है और कौन सा जा रहा है, इसको मॉनिटर करने के लिए नेटवर्क में किसका प्रयोग करते हैं, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या करती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकती है, प्रोटेक्ट करती है हैकिंग से हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे सर्वर को, दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि फायरवॉल हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, फायरवॉल हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, अ नेटवर्क इंटरफेस कॉल्ड NIC कंटेन। एक नेटवर्क इंटरफेस कॉल्ड में क्या शामिल है, NIC की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कॉल्ड क्या होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क में एक ऐसा कॉल्ड जो हर एक हार्डवेयर डिवाइस में होता है। सर हार्डवेयर डिवाइस में NIC कॉल्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर मैक एड्रेस लिखा होता है। तो NIC कार्ड कंटेन्स व्हाट, मैक एड्रेस, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मैक एड्रेस का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये क्या करता है मैक एड्रेस, ये किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, या इसको हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, जो किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जैसे मोबाइल खो गया, लैपटॉप खो गया, कंप्यूटर खो गया, तो वहां पर उसका मैक एड्रेस मदद करेगा उस डिवाइस को फाइंड आउट करने में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस
और एनआईसी कार्ड एड्रेस, वेरी गुड। मैक एड्रेस की बात करें तो क्या मैक एड्रेस को चेंज किया जा सकता है? जी नहीं, मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। लेकिन जब हम एनआईसी कार्ड को बदल देते हैं तो क्या मैक एड्रेस बदल जाता है? जी हाँ, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा कोई करेगा नहीं, है ना। इतना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एनआईसी कार्ड को ही बदल दे, तो इसकी संभावना बहुत कम है। और ये मान के हम बोलते हैं कि मैक एड्रेस को बदला नहीं जा सकता, जबकि आईपी एड्रेस क्या चेंज हो सकता है? जी हाँ, आईपी एड्रेस कैन बी चेंज, बट द मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड। वेरी गुड। अ एनआईसी इज अ डैश डिवाइस। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस प्रकार की डिवाइस है? ये जो एनआईसी कार्ड मैंने आपको दिखाया, ये किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट बोथ, स्टोरेज या इनपुट आउटपुट स्टोरेज? बिल्कुल सही जवाब, एंड द आंसर इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। एनआईसी कार्ड को हमेशा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की कैटेगरी में रखते हैं, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? बोथ इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्सेस। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर एग्जाम में पूछा जाए सिर्फ फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, तो आंसर होगा कंट्रोल एफ। लेकिन पूछा जाए फाइंड और रिप्लेस दोनों की शॉर्टकट की क्या है, तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस एच, यानी फर्स्ट इज द राइट वन, जिसके थ्रू हम पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद में उसको रिप्लेस कर देंगे जिससे भी हमें रिप्लेस करना है उसकी मदद से। तो आंसर है कंट्रोल एच। कंट्रोल आर की मदद से क्या होता है? राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट, इन टीसीपी आईपी नेटवर्क 127.0.0.1 इज विच टाइप ऑफ आईपी एड्रेस? टीसीपी आईपी नेटवर्क मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में 127.0.0.1 किस प्रकार का आईपी एड्रेस है? ये टेस्टिंग एड्रेस है, जिसे हम लोग लूप बैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, या टेस्टिंग एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, या लोकल होस्ट के नाम से भी जानते हैं। सर, ये लूप बैक क्या होता है, ये टेस्टिंग क्या होता है, ये लोकल होस्ट क्या है, आइए समझते हैं। टेस्टिंग एड्रेस का मतलब, सपोज करिए मैं एक हैकर हूं मान लीजिए, और मुझे हैकिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले किसी पर टेस्ट करके देखूंगा ना कि मैं जो हैकिंग करना चाह रहा हूं क्या वो वाकई में हो पा रही है। ये टेस्ट मैं किस पर करूंगा? तो आंसर है अपने ही कंप्यूटर पर। मैं अपने कंप्यूटर को सर्वर के तरीके से एक्ट करवाऊंगा और उस पर हैकिंग करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं सफल हुआ तो मैं जिस कंप्यूटर को मुझे हैक करना है या जिस नेटवर्क को मुझे हैक करना है वो मैं कर लूंगा। तो ये मैं किसके थ्रू करूंगा? इस आईपी एड्रेस के थ्रू 127.0.0.1। या फिर मैंने एक वेबसाइट डेवलप करी, अब मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट की टेस्टिंग करूं। वेबसाइट की टेस्टिंग मैं किस पे कर सकता हूं? तो आंसर है अगेन हम लोकल होस्ट, अपने ही कंप्यूटर को सर्वर बनाकर ये काम करते हैं, और इसको बोला जाता है क्या? लूप बैक एड्रेस। वेरी गुड। व्हेन अ क्रैकर अटेम्प्ट टू मिसयूज और स्टील डेटा फ्रॉम अ सिस्टम इट इज कॉल्ड। जब एक क्रैकर किसी सिस्टम से डेटा का दुरुपयोग या चोरी करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टीलिंग, इंट्रूजन, वायरस, वॉर्म या नन ऑफ दीज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर इज इंट्रूजन। इंट्रूजन क्या होता है? जब भी कोई क्रैकर कंप्यूटर को क्रैक करने या सॉफ्टवेयर को क्रैक करने की कोशिश करता है और इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार के अपराध को, इस प्रकार के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? इंट्रूजन डिटेक्शन।
इंट्रूजन का मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए जितने भी मैलिशियस अटेम्प्ट हैं उनको इंट्रूजन बोलेंगे। और हर एक कंपनी क्या करती है, इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है, जैसे एंटीवायरस, जैसे फायरवॉल, जैसे गेटवे, जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सके कि किसने हैकिंग करी, या हैकिंग होने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। दैट इज कॉल्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन अपसाइड डाउन माउस, निम्न में से कौन उल्टा माउस को संदर्भित करता है, माउस का उल्टा सिरा। जैसे ये माउस है, पहले के समय में क्या होता था कि जो माउस होता था उसको अगर हम पलट देते थे तो यहां पर एक बॉल दिखाई देती थी, है ना, पहले के समय में। आजकल तो ये लेजर लाइट, है ना, लाइट दिखाई देती है, बीम दिखाई देती है, लेकिन पहले के समय क्या होता था, एक बॉल दिखाई देती थी पलटने पर, उसको क्या बोलते थे, दैट इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। और इस बॉल के थ्रू ही हम क्या करते थे, माउस को रोटेट करते थे, माउस को चलाते थे। आजकल भी कई बार गेम्स में ये हमें देखने को मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द अपसाइड डाउन माउस, दैट इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। बॉल लगी होती है जिसके थ्रू हम कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। वेरी गुड। दी कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर इज, आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। हम अपने कंप्यूटर को अगर रीस्टार्ट करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, वार्म बूटिंग। रीस्टार्ट करना मतलब वार्म बूटिंग, शटडाउन करके स्टार्ट करना मतलब कोल्ड बूटिंग। तो रीस्टार्ट करने की क्या कोई शॉर्टकट की भी अवेलेबल है, जी हाँ, क्या है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, जिसको थ्री फिंगर की के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट। अ बाइट कैन होल्ड वन डैश ऑफ डेटा, एक बाइट में एक डैश डेटा हो सकता है, बिट, बाइनरी डिजिट, कैरेक्टर, न्यूमेरिक या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं कि कंप्यूटर की जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है वो बिट है। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बिट के बाद आता है निबल, निबल के बाद आता है बाइट, जिसको हम कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो अ बाइट कैन होल्ड वन डैश ऑफ डेटा, वन कैरेक्टर ऑफ डेटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कैरेक्टर इज द राइट वन। जैसे वन बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8, और इस 8 बिट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। तो याद रखने वाली बात क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट बिट हो गई 0 या 1, और ये बिट कहां पर स्टोर की जाती है, 0 1, इन फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो ये क्या कह रहा था, बाइट कैन होल्ड वन कैरेक्टर ऑफ डेटा। समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट। विच इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, CDC 6600, यूजनेट, कॉमोडोर, परम 10000 या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज CDC 6600। ये है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, लेकिन कई बार ऑप्शन में CDC 6600 होता ही नहीं। इस केस में आंसर क्या लगाएंगे, अगर ऑप्शन में CDC 6600 नहीं है तो हम बोलते हैं क्रे 1 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, लेकिन अगर ऑप्शन में CDC 6600 है तो यही होगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो क्रे 1 होगा। और क्रेवन को किसने बनाया, सीमर क्रे के द्वारा। वेरी गुड। नेक्स्ट। सर्च इंजन विच इज मोस्ट फेमस इन चाइना इज, चीन का सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है, बताइए, बेडू, बिंग, गूगल, याहू
या नन ऑफ दीज। चाइना ना तो गूगल का प्रयोग करता है ना किसी दूसरी कंट्री के सर्च इंजन का। तो चाइना में जितनी भी नेट सोशल नेटवर्किंग है या जितनी भी चीजें हैं डिजिटल, वो चाइना की खुद की बनाई हुई है। तो चाइना का जो सर्च इंजन है दैट इज कॉल्ड बेडू। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। गूगल गूगल का, याहू याहू का, और चाइना का दैट इज कॉल्ड बेडू। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सबसे कम है? यानी कंप्यूटर की मेमोरी हायरार्की की अगर बात करें तो सबसे लोएस्ट कौन है? लोएस्ट का मतलब सबसे स्लोएस्ट कौन है? सबसे फास्टेस्ट तो रजिस्टर है, रजिस्टर से कम कैशे है, कैशे से कम रैम है, और सबसे कम सेकेंडरी मेमोरी है। यानी लोएस्ट पायदान पर अगर हम देखें, सबसे स्लोएस्ट की अगर बात करें, तो आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है? सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, दीज ऑल आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। जो बैकअप के लिए यूज की जाती है, जहां डेटा रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट, द रोम टाइप यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फोन इज? कह रहे लगभग सभी फोनों में प्रयुक्त रोम का प्रकार है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बताइए। कह रहा है जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनमें जो रैम यूज होती है वो कौन सी है? बताइए, दैट इज डायनेमिक रैम। हमने आपको प्रीवियस वाले सेशन में बताया भी था कि जितने भी मोबाइल फोन्स हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं, जस्ट लाइक पाल्म टॉप, जस्ट लाइक लैपटॉप, इनमें जो रैम यूज होती है वो कौन सी है? डी रैम, डायनेमिक रैम। तो मोबाइल फोन्स में कौन सी यूज होती है? डायनेमिक रैम। लेकिन रोम कौन सी यूज होती है मोबाइल फोन्स में? ईईपी रोम, बिल्कुल सही। फ्लैश मेमोरी, यस। नैंड फ्लैश, यस। यानी ये तीनों, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीस। ईईपी रोम जिसको बनाया जाता है फ्लैश मेमोरी की मदद से, और ईईपी रोम का दूसरा नाम है नैंड फ्लैश। नैंड क्या होता है? लॉजिक गेट्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक यूनिवर्सल गेट आता है, नैंड गेट और नॉर गेट, दीज आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट्स। तो नैंड फ्लैश भी क्या है? ईपी रोम बेस्ड रोम है। तो ईपी रोम भी सही हो गया, फ्लैश मेमोरी भी सही हो गया, और नैंड फ्लैश भी सही हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्निफिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एस। स्निफिंग को किस नाम से जाना जाता है? स्निफर का मतलब आप लोग ने सुना होगा, स्निफर डॉग्स जो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि बम कहां पर है, है ना, या कोई ऐसी चीजें जहां पर डॉग्स की मदद लेते हैं हम लोग आर्मीज में। तो स्निफिंग को किस नाम से जानते हैं? नेटवर्क टैपिंग, वायर टैपिंग, नेट टैपिंग, वायरलेस टैपिंग, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है वायर टैपिंग। स्निफिंग का मतलब जब कभी आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में क्या होता था कि जो फोन होते थे वो ऐसे ही होते थे लैंडलाइन वाले, और इनको बीच में से हैक कर लिया जाता था, है ना, कोई दूसरा आपकी बातें आराम से सुन रहा है, दैट इज कॉल्ड स्निफिंग या दैट इज कॉल्ड वायर टैपिंग। आजकल भी ये होता है, आजकल भी स्मार्टफोन्स में ऐसे वायरस डाल दिए जाते हैं जिसके द्वारा हम वायर टैपिंग कर सकते हैं, मतलब किसी की बात सुन सकते हैं। तो दिस इज वॉट वी कॉल्ड वायर टैपिंग। और ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्निफिंग अटैक। इसे जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? स्निफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया, बताइए। ऐसी कौन सी जनरेशन है जिसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम पर काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम
या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया। अब देखो ये सब क्या है, इनके साथ में लगा हुआ है टाइम, और जब भी हम लोग टाइम की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है, बोलते हैं ना 4 बज गए, यानी 4 का यूज हमने किसके साथ में किया, टाइम के साथ। तो यहां पर टाइम के साथ में जो बनेगी जनरेशन वो कौन सी होगी, दैट इज फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आया, अगर ये पूछा जाता कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है तो भी तो आंसर फोर्थ जनरेशन होता। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब किस जनरेशन के पार्ट है, फोर्थ जनरेशन के पार्ट है। जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसमें क्या आया, वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आया ट्रांजिस्टर, थर्ड में आया इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में आया माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में क्या आया, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ये सब फिफ्थ जनरेशन के पार्ट है। नेक्स्ट, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ईबीसी डीआईसी वॉज इन्वेंटेड बाई आईबीएम, इट इज मेनली यूज इन। ईबीसी डीआईसी की इस अवधारणा का आविष्कार आईबीएम द्वारा किया गया था, इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किसमें, ये ईबीसी डीआईसी क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, किसने बनाया, आईबीएम कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, किसके लिए बनाया, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए। तो आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर। आइए जरा समझते हैं इसके बारे में। बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स थे या वो कंप्यूटर्स हैं जिनमें हम बड़े लेवल के डेटाबेस को स्टोर करते हैं। पहले के समय में रेलवेज, बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब बड़े बड़े डेटाबेस को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करती थी। सर आजकल क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है, हाँ आजकल भी होता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया है आईबीएम द्वारा ही डेवलप की गई दूसरी टेक्नोलॉजी ने, वो क्या है सर, क्लाउड कंप्यूटिंग। आईबीएम ने खुद कहा है कि मेन फ्रेम से स्विच हो जाइए किसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग में, यानी अब आप डेटा को स्टोर करने के लिए किसी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज मत करिए, क्लाउड पर डेटा को स्टोर करिए, दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जिस कॉन्सेप्ट पर काम करता था वो कॉन्सेप्ट क्या था, ईबीसी डीआईसी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट, विच पोर्ट कैन ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट दी फाइल्स, फाइलों को संचारित करने के लिए दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। अगर हमें दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स ट्रांसफर करनी है वाया पोर्ट, तो कौन सा पोर्ट यूज करेंगे, फायर वायर पोर्ट, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, अगर कभी भी एग्जाम में दो कंप्यूटर्स को जोड़कर पोर्ट के द्वारा फाइल्स को ट्रांसमिट करने की बात करें तो हमेशा आंसर क्या होगा, फायर वायर पोर्ट, जो सबसे बढ़िया पोर्ट माना जाता है फाइल ट्रांसफर के लिए, जो गारंटी भी लेता है कि अगर इस पोर्ट्स के द्वारा हमने फाइल को ट्रांसफर किया तो फाइल मिस नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड फायर वायर पोर्ट। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2021 चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, एमएस वर्ड 2021 में किसी दस्तावेज के स्वरूप को बदलना क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को बदलने का मतलब उसको बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, इट मींस वी आर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेट करना। तो अगर एमएस वर्ड में हम कोई भी बदलाव करते हैं, फॉन्ट के साइज में, फॉन्ट के फेस में, फॉन्ट के इफेक्ट में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में या कलर में, तो ये सब चीजें कहलाती हैं फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, वह वायरस
जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हटा सकता है उसे क्या बोलते हैं? वॉनाक्राई, आई लव यू, रेट्रोवायरस, बूट सेक्टर वायरस या रूटकिट? बहुत ही फेमस, एक ऐसा वायरस जो एंटीवायरस को ही हटा दे। सोच के देखो, एंटीवायरस का काम होता है वायरस को हटाना, लेकिन वायरस ही एंटीवायरस को हटा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। वो वायरस जो एंटीवायरस को ही डिलीट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है या करप्ट कर देता है उसे क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस। पहला वायरस कौन सा? क्रीपर। लेकिन पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा? ब्रेन। डिफरेंस याद रखिएगा। पहला एंटीवायरस कौन सा? क्रीपर। नहीं, क्रीपर तो वायरस हो गया, रीपर। तो पहला एंटीवायरस कौन सा? दैट इज रीपर। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस 10.52.36.11? बताइए, आईपी एड्रेस की क्लास क्या है जहां आईपी एड्रेस है 10.52.36.11? कैसे पता लगाएं? पहले वाली ऑक्टेट को देखना होगा। पहली वाली ऑक्टेट क्या है? 10। और किस क्लास की रेंज में 10 आता है? क्लास ए की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 127 तक। 0 से 127 क्या है? क्लास ए। क्या 10 0 से 127 के बीच में आता है? जी हां, तो आंसर क्या हो गया? क्लास ए। क्लास बी क्या है? 128 से 191। क्लास सी की रेंज 192 से 223। क्लास डी की रेंज 224 से 239। और क्लास ई की रेंज 240 से 255, 240 से 255। तो क्या सर सिर्फ पहली वाली ही देखते हैं? सिर्फ पहली वाली ऑक्टेट को देखकर ही ये पता लगा लेते हैं कि ये किस क्लास का पार्ट है? जी हां, पहली क्लास की रेंज यानी पहली ऑक्टेट की जो क्लास की रेंज होगी वही ढूंढेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्लास का नाम आ जाएगा। आईपी एड्रेस में टोटल कितनी क्लासेस होती हैं? ए बी सी डी ई, यानी 5 क्लासेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हब इज अ डैश डिवाइस एंड स्विच इज अ डैश डिवाइस। कह रहा है हब एक कैसी डिवाइस है और स्विच कैसी डिवाइस है। नेटवर्किंग में बहुत सारी डिवाइसेस का यूज होता है, जैसे राउटर, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, फायरवॉल एंड सो ऑन। जहां पर हब क्या करती है? ब्रॉडकास्ट। स्विच क्या करती है? यूनिकास्ट। तो हब इज दी ब्रॉडकास्ट, वेर एज स्विच इज दी यूनिकास्ट डिवाइस। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब अगर हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कोई डेटा भेजना है तो हम क्या करेंगे? हम एक कंप्यूटर को डेटा दे देंगे और उससे कहेंगे कि दूसरे वाले कंप्यूटर को वो डेटा भेजो। लेकिन हब क्या करती है? वो सभी कंप्यूटर्स पे डेटा को भेज देती है, और सभी को भेजने का मतलब ब्रॉडकास्ट करना। लेकिन स्विच क्या करती है? यूनिकास्ट। जिसको भेजना है सिर्फ 1-to-1 उसी को भेजती है, सबको नहीं। दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। सपोज करिए आपको अपनी कॉलोनी में जहां आप रहते हैं वहां पर आपको किसी मकान में जाकर कोई संदेशा देना है, तो आप क्या करेंगे? आप उठेंगे, उस मकान में जाएंगे और वहां पर जाकर वो इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन अगर हब होगा तो क्या करेगा? उठेगा, सभी मकानों में जाकर इंफॉर्मेशन दे देगा। जिसकी काम की है वो रखेगा, जिसकी काम की नहीं है वो फेंक देगा। यानी ब्रॉडकास्ट करता है हब, जो कि डेंजरस है ना। इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, सबको दे दिया तो बेकार हो गई। तो ये ब्रॉडकास्टिंग होता है सबको देना, और यूनिकास्टिंग होता है जिसके लिए इंफॉर्मेशन बनाई गई उसी तक इंफॉर्मेशन जाए, 1-to-1 करे, दैट इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग। तो स्विच है यूनिकास्टिंग, हब है ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, डैश इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग
डिवाइस के आईपी पते से मैक पता खोजने के लिए करते हैं, फाइंड द मैक एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस गिवन है और मैक एड्रेस फाइंड करना है, तो आंसर क्या होगा? एआरपी प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर हमें मैक एड्रेस फाइंड करना है आईपी एड्रेस से तो हमेशा आंसर क्या होगा? एआरपी। लेकिन अगर हमें आईपी एड्रेस फाइंड करना होता, मैक एड्रेस गिवन होता, तो आंसर क्या हो जाता? आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डार्क वेब ब्राउजर। इट इज फ्री, ओपन सोर्स एंड अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक एंड लिनक्स। डैश सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक डार्क वेब ब्राउजर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। यह मुफ्त है, ओपन सोर्स है, विंडोज, मैक और लिनक्स में प्रयोग करते हैं। दैट इज कॉल्ड टॉर ब्राउजर। आप जानते होंगे कि टॉर ब्राउजर की फुल फॉर्म क्या है? द अनियन राउटिंग। कुछ प्याज की शक्ल में यह होता है और इसका यूज किस पर्पज से करते हैं? डार्क वेब ब्राउजर के पर्पज से। डार्क का मतलब अगर कोई इलीगल काम करना है, पोर्नोग्राफी है या कोई वेपन्स बेचने हैं, खरीदने हैं, कोई इलीगल काम करना है, तो इन सब चीजों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टॉर ब्राउजर का। एंड दिस इज कॉल्ड अ डार्क वेब ब्राउजर। ये फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, यानी इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, और एंड अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक और लिनक्स, सबके लिए अवेलेबल भी है। दैट इज कॉल्ड टॉर ब्राउजर। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 में से कितना स्कोर आपने किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्फ करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं आंसर दूंगा नेक्स्ट सेशन। साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर सब्जेक्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट करें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को, और वहां पर आप क्लिक करिएगा लेटेस्ट वाले कोर्स से, जो कि 15 मार्च से शुरू हो चुका है लाइव 8 PM पर। सर अगर लाइव क्लासेस ना देख पाए तो कोई बात नहीं, सारी लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी, जिनको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कभी भी देख सकते हैं। कैसे ज्वाइन करिएगा? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, कोर्स पे क्लिक करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं। क्या क्या मिलेगा? वीडियोस, पीडीएफ मॉक टेस्ट, टोटल वीडियो 65+। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट करके बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।